मैं नहीं जानती तो मेरा गलती है क्या? वो बोलिए, मैं कोई गुनाह कर दी? अच्छा आप जानते हैं है? आप जानते हैं? हम सब किसी को जानते हैं। अच्छा तो दिखाइए ना, हम भी जान ले। हम क्या दिखाएं आपको? उनका फोटो वगैरह। आप लोग आँख कान सब होगा ना वहाँ पर, देखने वाला और सुनने वाला, देखते जाइए। नेपाल के कितना सिंगर है वो लोग। आप तो वीडियो बनाई है। अरे तो हम 1500-1600 रील बनाए थे। साधन चले ससुराल के खातिर करबो भौजी। बहुत लोग आपको गाली दे रहे हैं तो हम क्या बोले? उनका पैर पकड़ ले जाके नहीं दो गाली बोल के देने में नहीं। हमको हम नहीं जानते हुआ उनको तो हम कैसे? खेसारी जी का ही ज्यादा से ज्यादा देखते हैं तो उनको नहीं तो बोलिए दिखाइए कौन है, दिखाइए जरा हम भी जान ले कौन है। क्या पता था कि ये बात बोलूंगी इतना रील। अरे गाना कितना है तो सबका रील बनाई हूँ तो सबको मैं जान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजर, आप देख रहे हैं जय BTH न्यूज चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है सौम्या पोखरियाल जी, जो की काफी विवादों में चल रही है पवन सिंह के बयान को लेकर। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपने के और सबके को प्रणाम। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को आप कह रही हैं नहीं जानती, आखिर क्यों? मैं नहीं जानती तो मेरा गलती है क्या? वो बोलिए, मैं कोई गुनाह कर दी? पवन सिंह आपने रील बनाया है तो उस समय आपने नहीं कहा कि पवन सिंह कौन है? तो हमको क्या पता था कि ये बात बोलूंगी इतना रील। अरे गाना कितना है तो सबका रील बनाई हूँ तो सबको मैं जानती हूँ, ये जरूरी है? नहीं नहीं। बहुत लोग आपको गाली दे रहे हैं तो हम क्या बोले? उनका पैर पकड़ ले जाके नहीं दो गाली बोल के देने मरने तो दे दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, चुप काम। हमको हम नहीं जानते हुआ उनको तो हम कैसे बोल देगी हाँ जान रहे हैं? आप ही बोलिए, नहीं तो बोलिए दिखाइए कौन है, दिखाइए जरा हम भी जान ले कौन है। बहुत लोग कह रहे हैं बिहार में, पूरा लोग कह रहे हैं आपको। क्या कह रहे हैं? बिहार में आकर आप पवन सिंह स्टार को आप कह रही है नहीं जान रही है। अच्छा आप जानते हैं है? आप जानते हैं? हम सब किसी को जानते हैं। अच्छा तो दिखाइए ना, हम भी जान ले। हम क्या दिखाएं आपको? उनका फोटो वगैरह कुछ होगा ना? हम जानते हैं तो फोटो रहेगा तभी कहेंगे कि हम पवन सिंह हम जानते हैं। देख ले हम पहचान। आप तो वीडियो बनाई है। अरे तो हम 1500-1600 रील बनाए तो सबको जरूरी है, सब सिंगर को जानते हैं। वीडियो बनाए होंगे तो आपको तो मालूम होगा कि हाँ ये पवन स्टार है, कि उससे रितेश पांडे है। हम लोग नेपाल के कितना सिंगर है वो लोग व्हाट्सएप पर कहाँ कहाँ से नंबर भी लेके फोन कर देते कि सोम्या जी रील बना दीजिए। हम लोग उनको जानते तक नहीं है तो वो तो इंडिया के, हम नेपाल के, ठीक है? तो बहुत हम अभी स्ट्रगल लाइफ में और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबको जानते हैं, ठीक है? उसमें भोजपुरी में कितने अभी और ऐसे होंगे ना, उनको भी हम नहीं जानते होंगे क्योंकि हम नेपाल के हैं तो बहुत कम, हम सिर्फ खेसारी जी का ही ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो उनको तो अच्छे तरह से जानते हैं हम। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ दिन के बाद कहिएगा कि हम खेसारी लाल यादव को नहीं जानते। आप लोग आँख कान सब होगा ना वहाँ पर, देखने वाला और सुनने वाला, देखते जाइए है ना। खेसारी लाल यादव जी को कब से जानते हैं? बहुत पहले से जानती हूँ मैं, छोटी सी तब से जानती हूँ। पहला मूवी कौन सा आप देखे थे? पहला मूवी साधन चले ससुराल के खातिर करबो भौजी, बेस्ट गाना है। आप सुने हैं, गाना भी गाती हैं, गाना गाकर सुनाइए। नहीं मैं गाना नहीं गाती हूँ। आपका गाना हुआ, लॉन्च हुआ था कहाँ? अच्छा हरदम देखल चाहे, वो तो उनका सॉन्ग है ना खेसारी जी का, मैं तो उसमें सिर्फ काम की थी ना। आपका गाना 4 दिन में 12 मिलियन क्रॉस कर गया है, इस पर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहते कि बहुत खुशी का बात है, मैं फर्स्ट टाइम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया, इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतना अच्छा प्यार मिला। खेसारी लाल यादव जी जो वादा किए थे पूरा कर हो गया? जी पूरा नहीं हुआ तो आने वाला समय में और प्रोजेक्ट आपका आएगा उनके साथ? जरूर आएगा। बात हुआ है? बात नहीं हुआ है, होता भी है, मतलब होगा, हुआ भी है, मतलब हुआ है।